साथियों नमस्कार। साथियों आज हम अरक लवण के बारे में बात करने वाले हैं। तो अरक लवण के लिए हमें आक के पीले पत्ते चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये पीले पत्ते हैं आक के। उसको करना क्या है, सबसे पहले इन पत्तों को किसी हांडी के अंदर धसा के और सेंधा नमक डालेंगे। जितने पत्ते हैं उतना ही नमक डालना है। हमारे पत्तों का जो वजन है वो 1200 ग्राम के लगभग है और उतना ही इसमें हमें नमक डालने वाले हैं। ये देखो इस प्रकार से। साथियों अरक लवण पेट की तमाम समस्याओं में, लीवर में वृद्धि हो गई हो, लीवर फैटी हो गया हो, जलोदर रोग हो गया हो, गुलम हो गया हो और पेट में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे वो पित्ते की पथरी क्यों ना हो, उसमें भी अरक लवण का अच्छा योगदान है। तो साथियों इस तरह से पत्तों को जचा के इसमें नमक डालना है। ये सेंधा नमक है, इसके अंदर पत्तों के अंदर डालना है और इस तरह से पत्ते फिर इसके ऊपर बिछाते जाना है। देखते रहो साथियों इस तरह से पत्ते हैं हम इसके अंदर डालेंगे। और फिर से इसके ऊपर हमें सेंधा नमक डालेंगे। साथियों ये पिसा हुआ सेंधा नमक है। साथियों अभी हमने इस नमक और पत्ते को जो हंडिया है इसको ऊपर तक भर लिया है। अब इसमें हमें संधि बंधन करने वाले हैं। इस तरह से इस को संधि बंधन हम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, थोड़ी है जो मिट्टी है, मिट्टी का लेप करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। देखो साथियों ये लेप हो रहा है, अभी लेप कर दिया। अभी इसके क्या है, इसको बराबर तक करो, फिर अच्छा संधि बंधन होगा। इस तरह से इसको कर दिया। अब इसको क्या कपड़े से इसका संधि बंधन करेंगे, इस पे कपड़ा लगाएंगे। अभी देखो साथियों इस कपड़े से इसका हमें बंधन करेंगे, इसको ऐसे चिपका के और इसको हमें इसके ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि अग्नि के दौरान ये फूटे नहीं और इसमें अग्नि नहीं जाए। तो साथियों अब इसका क्या संधि बंधन हो गया, इस पे हमें थोड़ी मिट्टी और लगा देंगे। अभी इस पे हमें मिट्टी का लेप कर रहे हैं। अभी ये लेप हो गया, अब इसे हांडी को भी मिट्टी से इस पे लेप करेंगे। साथियों अब हमने इसे मिट्टी की हांडी को इसमें उपलों में दबा दिया है। अब देख सकते हो अब हम इसको अग्नि देंगे, इसको पूरी तरह से इसको ढक के और अब हम इसमें अग्नि देने वाले हैं। तो देखो साथियों इसको हमने चारों तरफ से इसको कवर कर लिया है, अब हम इसमें अग्नि देंगे। अरक लवण हमारा बनके तैयार हो चुका है और ये अभी थोड़ा ठंडा होने वाला है। अभी हम इसको निकालेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। अभी साथियों हम इसका ढक्कन खोलने वाले हैं, देखते हैं अभी ये इस तरह का इसमें अरक लवण है। अभी इसको पीस के तैयार करेंगे।
साथियों हमने हांडी में से निकाल के अरक लौंग को पीस लिया है। देखो इस तरह से इस रंग का हल्का ब्राउन रंग का ये अरक लौंग तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा और रिजल्ट भी इसका बहुत शानदार है। मैंने काफ़ी बार इसका प्रयोग किया है साथियों। तो अरक लौंग दिखाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से इसका प्रयोग करें और बनाएं।